बालवीर, थैंक यू। छोड़ो बालवीर जी, कुछ करो बालवीर जी। बालवीर जी देखिए ना। मोंटू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, एकदम एकदम शांत हो जाओ। अगर तुम शांत हो जाओगे तो ये बेल तुम्हें अपने आप छोड़ देगी, जैसे उसे मेहर को छोड़ दिया। अरे बालवीर जी, ये बेल मुझे ऑलरेडी आधा निकल चुकी है और तू भी इनका पेट नहीं भरा है, अब भी तो ये मुझे पूरा निकल लेंगी। कुछ करो बालवीर जी। अरे मोंटू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे, हमें वहाँ पे चॉकलेट की नदियाँ, पिज्जा के पहाड़ और आइसक्रीम के पेड़ मिलेंगे। इतनी सारी पिज्जा, आइसक्रीम, चॉकलेट तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। आइसक्रीम के पेड़। मोंटू तुम ठीक तो हो ना? हाँ बालवीर जी। बालवीर जी थैंक यू। आउच। मोंटू जल्दी चलो यहाँ से, वरना ये बेली हमें फिर से जकड़ लेगी। हाँ, चलो चलो चलो। रानी परी, देखा ना आपने बालवीर ने कैसे अपनी सूझबूझ से मेहर और मोंटू को बेलों की लटों से मुक्त करा दिया। हाँ बाल परी, बालवीर शक्तिशाली ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी, लेकिन इस समय हमें उनके मूल रूप की चिंता हो रही, जो इस समय मायावी चट्टान के पास पड़ा। विचार परी, नाराज परी, आप दोनों तुरंत जाइए और बालवीर के शरीर की रक्षा कीजिए। जाइए। जी रानी परी। मायावी चट्टान, इसका मतलब ये हुआ कि बालवीर का शरीर वहां पड़ा है और जो पंख लोग गया है वो बालवीर का प्रतिरूप। अब आएगा मजा। गया मैं समझ आपकी योजना परी भयंकर, क्योंकि आप भी भेजोगी अपना प्रतिरूप पंख लोक में करने सहायता उस मोंटू की। चुप। मैं एक तीर से दो निशाने लगाऊं। मायावी चट्टान जाकर बालवीर के शरीर को नष्ट कर और मोंटू को पंख मिलते ही पूरे पृथ्वी लोक बुराई का साम्राज्य फैला दूं। बुराई का साम्राज्य। अरे मैं वो देखो, वो रहे पंख। बस उन पंखों को प्राप्त करने के लिए मैं उस पार जाऊं। लेकिन कैसे बालवीर, हम उस पार कैसे जाएंगे? देखो नीचे तो लावा बह रहा है। मोंटू मिल गया उपाय, हमें इन बुलबुलों पर सवार होकर उस पार जाएंगे। क्या? इन बुलबुलों पर? इन बुलबुलों पर जाएंगे हम? चलो। अरे मैं तो सोच क्या रही, डरो मत, इस पर विश्वास है। ये बुलबुलें मजबूत हैं। अच्छा देख, मैं पहले जाता हूँ फिर तुम, ठीक है? ठीक। Bye.
देखा मैं कितना आसान नहीं है, तुम भी आ जाओ। ठीक है। अरे मोंटू तुम भी आ जाओ, देखो डरो मत, उस बुलबुले पर कूद जाओ। मोंटू डर मत, आ जा, कुछ नहीं होगा। अरे मोंटू डरो मत, कूद जाओ। मुझे किसी भी तरह इन लोगों से आगे जाना होगा, नहीं तो पंख मेरे हाथ नहीं लगेंगे। चिंता मत कर, आगे बढ़ो, अंक तुम्हें ही मिलेगा। ये लोग इस पार्ट नहीं पहुंचने चाहिए, अगर पंख नहीं तो मिल गए तो भयंकर बड़ी नाराज हो जाएगी और मुझे तोता बनाकर पिंजरे में कैद कर देगी। क्या करूं? पालियो जी दीजिए, दीजिए आपका हाथ, दीजिए हाथ, दीजिए हाथ, दीजिए। आराम कर, ये बबल कैसे फूट गया? अरे मैं तेरा भी फूटने से पहले तू हाथ दे, दे। छोड़ना, मैं अभी कुछ करता। एक बेल फेंक रहा, उसे पकड़ लेना,
और उसी से मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगा। ठीक है बालवीर। बहन कस के पकड़ना। हाँ बालवीर। बस हिम्मत रखो। ठीक है। आ जाओ। बहन आ जाओ। अगर तुम नहीं होते तो मैं बच नहीं पाती। नहीं मैं अपने आप को कभी छोटा मत समझो। तुमने हिम्मत दिखाई और डटकर मुकाबला किया, यही बात साबित करती है कि तुम बहुत बहादुर। थैंक यू बालवीर। चल देखा अपने परियों, बालवीर ने मेहर की जान बचाई लेकिन फिर भी उन्होंने श्रेय खुद नहीं लिया बल्कि मेहर की बहादुरी की ही प्रशंसा, यही बालवीर की महानता। बालवीर तो बालवीर है रानी परी, लेकिन आपने उस मोंटू को देखा, कितना बदमाश बच्चा है वो। हाँ भटकाती है, बदमाश है, तभी तो भयंकर परी ने उसे अपना उम्मीदवार चुना। बालवीर के निढाल शरीर की रक्षा करने के लिए इन दो परियों को खड़ा किया गया। कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा बात करूंगा कि बालवीर का निढाल शरीर भी नष्ट हो जाएगा और इन दो बेवकूफों को पता भी नहीं चलेगा। रानी परी, मेहर को पंख लोक में बहुत समय लग रहा है, पृथ्वी लोक पे उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हाँ बालपरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही। डूबा डूबा एक। जी रानी परी। डूबा डूबा एक, आप तुरंत पृथ्वी लोक जाइए और कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े समय के लिए मेहर के परिवार वाले मेहर को भूल जाएं। नहीं तो वो मेहर को लेकर बहुत चिंतित हूँ। डूबा डूबा एक, अपना हाथ ऊपर कीजिए। डूबा डुबाई, ये अंगूठी अपने पास रखिए। ये अंगूठी आपको शक्तियां प्रदान करेगी। जी रानी पर। ओए बॉय, ये तो अपने वाइल्ड है। वाइल्ड वाइल्ड नहीं, चाइल्ड। हाँ वो वही, सेम टू सेम। तो बच्चों क्या हुआ, मेहर और बल्लू का कुछ पता चला? नहीं दादी, उनका कहीं पे भी पता नहीं चला। लेकिन एक चीज पता चली है कि उनके साथ साथ मोंटू भी गायब है। हे भगवान, महेश बच्चे कभी इतनी देर नहीं लगाते, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हथौड़ी वाले किडनैपर ने उनका किडनैप तो नहीं कर लिया। करो क्या मैं ऐसा ताकि मेहर के परिवार वाले रहे उलझ कर थोड़ी देर और ना आए याद उन्हें मेहर की। हाँ
हाँ मैडम, हाँ मैं ओम प्रकाश प्लम्बर ही बात कर रहा हूँ। मैडम बस आप ही के घर आ रहा हूँ। मैडम जी आप चिंता मत कीजिए ना, मैं 5 मिनट में पाइप फिट कर दूंगा। मैडम जी आप चिंता मत कीजिए, बस पहुँच ही रहा हूँ मैं। हाँ बस अभी, हाँ 5 मिनट में। हाँ जी जी जी। इस अंगूठे के सहारे बन जाता हूँ मैं हूबहू इसके जैसा और जाता हूँ मेहर के घर में और उलझा देता हूँ उनको दूसरी बातों में। अब बच्चों आप लोग मेरी तरफ से डेफ। डेफ नहीं दादी, सेम। हाँ वो वही सेम टू सेम। ये लाइट कैसे चली गई? ये लाइट कैसे च... कोई विकल्प भी नहीं है। मुझे इनसे आगे जाना होगा। मोटू, मोटू, मोटू संभाल, मोटू रुको, मैंने कहा ना संभाल के, जल्दबाजी मत कर, आराम से, मुझे सोचने दे।
है मोंटू, मैंने गिनती कर ली, ये विशाल कुल्हाड़ी हर चार पल बाद फिर से नीचे गिरती है। हमें इन चार पलों उस पार जाना होगा। इंतजार किस बात का बालवीर जी? चलो मोंटू रुको, हमें ये नहीं पता कौन सी कुल्हाड़ी किस समय पर नीचे गिरेगी, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम दोनों करो। लेकिन हाँ, कोई भी कहीं पर भी नहीं रुकेगा और कोई भी ऊपर नहीं देखेगा, ठीक है? ठीक है, चलो। चलो बचो। मैं मोंटू, तुम दोनों आगे जाओ। ठीक है, चल। अरे मोंटू, मोंटू चल जल्दी, मोंटू। मोंटू, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऊपर मत देखना। सॉरी बालवीर जी। चलो अब उठो। भयंकर परी, भयंकर परी, तुम बुराई की जीत का समय आ गया है। मिसिंग। कैसा लगा? केवल तुझे लगता है ये प्लान काम करेगा? ये प्लान काम करे या ना करे, लेकिन हमें पोस्टर्स तो चिपकाने ही पड़ेंगे। क्यों? अरे बॉस को जो ढूंढना है। अरे केवल, तू क्यों वापस से मार खाना चाहता है? अरे मार के साथ साथ कुछ और भी खाना चाहता हूँ। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब तो हमें बॉस से खिलाएंगे ना। हाँ यार, चल चल। सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी। तो क्या कर रहे हो तुम लोग? आपने इनको देखा? हाँ। बोरा। अरे अब जाओ। जाओ जाओ। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय। सारे पोस्टर तो लग गए। हाँ, अब जल्दी से मोंटू बॉस मिल जाए, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक भी। हाँ, चल चल चल। बस हमें आखिरी विराट कुल्हाड़ी को पार करना है। हाँ, जैसे मैं कहूँ भागो तो भागो। ठीक है, एक, दो, तीन, भागो। मेहर, मैं बंटो। Yeah.
पहले कि मोंटू उस पंख तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचकर उसे हासिल करना होगा। चलो मैं। महर, महर जल्दी चलो। नहीं नहीं बालवीर, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, मुझसे ये नहीं होगा। बालवीर होगा, तुमसे ये होगा। मैं चलो चलो। आज मेरे पास भी बालवीर जैसे पावर है। केवल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह ढूंढ लिया मोंटू बॉस को, पर मोंटू बॉस कहीं मिल ही नहीं रहा है। लगता है मोंटू बॉस को हमसे भी बुरे चेले मिल गए, इसने वो हमें छोड़कर चले गए। चले गए मोंटू बॉस। ए भाई, ए भाई, किसी ने देखा है हमारे मोंटू बॉस को? केवल अब हमारा क्या होगा? कितने कितने बुरे थे हमारे मोंटू बॉस। अरे दिन भर खुद खाते रहते थे और बचा कुचा हमें खिलाते रहते थे। केवल दिन भर हमें मारते रहते थे। केवल रो मत पगले, रो मत। लेकिन सही कहा तूने, अब हम गेंडा किसको बुलाएंगे? अब किसको बुलाएंगे? गाजर रखो। अरे ऐसे ही तो मारते थे मोंटू बॉस को, मतलब अब ऐसे हमें कौन मारेगा? केवल शांत हो जा रोहित, शांत हो जा। अब हमारे पास मोंटू बॉस नहीं रहे तो क्या हुआ? लेकिन उनकी याद तो है। हम कुछ करेंगे, जरूर कुछ करेंगे। क्या? हम उनका पुतला बनाएंगे। ग्रेट आइडिया। केवल नाराज परी, बेचार परी, उठिए नाराज परी, बेचार परी, बेचार परी। आर पार परी, क्या हुआ इन्हें? ये ठीक तो है ना? नहीं रानी परी, लगता है इन पे बहुत ही बुरे जादू का प्रयोग किया गया है, और इन्हें ठीक करने के लिए हमें इन्हें परी औषध पिलाना पड़ेगा। तो ठीक है, आप इन्हें तुरंत परी लोक लेकर जाइए और इनकी चिकित्सा कीजिए। जी रानी परी। रानी परी, रानी परी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। भटकाती परी, क्या हुआ? महर से पहले मोंटू ने छल कपट से वो पंख प्राप्त कर लिए। क्या परियो? ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मोंटू परियों के पंख प्राप्त करने के योग्य बिल्कुल नहीं। और रानी परी, बालवीर का प्रतिरूप भी पंख लोक में है, और भयंकर परी बालवीर के शरीर को अपने साथ ले गई है। इससे बालवीर पर खतरा और बढ़ गया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा रानी परी। परियो, चलिए हमारे साथ। लगता है पंखलोक फिर से अपने मूल स्वरूप में आ रहा है।
बालवीर, अब तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, बल्कि मेरे पास तुमसे ज्यादा पावर्स है। अब तुम दोनों देखना, मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी का कमाल। मॉन्टू इन पग्गों के कारण सच में शक्तिशाली बन गया है, और अब भयंकर परी के इशारे पर कुछ भी कर सकता है। मुझे उसे रोकना ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने मूल शरीर को ग्रहण करना होगा। बालवीर महर, मैं जा रहा हूँ भयानक लोग भयंकर परी के पास। नहीं मोंटू। गुड बाय। मोंटू रुको। मोंटू रुको। चलो मैं। नहीं, मोंटू बॉस नहीं मिले, इसलिए उनका पुतला बना रहा हूँ। बहुत मिस कर रहे हैं ना उन्हें हम। हाँ, हम मतलब मैं और केवल। अरे वो केवल गया हुआ है मोंटू बॉस के घर पे, उनका पैंट और टी शर्ट ले। मारा क्यों रे? अरे मोंटू के साथ साथ तो उसके थप्पड़ को भी मिस कर रहा होगा, इसीलिए। अरे मोंटू बॉस के थप्पड़ के साथ साथ हम उनका पिज़्ज़ा बर्गर भी मिस कर रहे हैं। चल खिलाओ मुझे पिज़्ज़ा बर्गर, खिलाओ मुझे। अब क्यों मारा? वो बर्गर पिज़्ज़ा की जगह तो मोंटू तुम्हें पंच खिलाता ना, इसीलिए। और खिलाओ, हाँ और खिलाओ। नहीं 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 नहीं, वैसे भी मेरी भावनाएं कोई नहीं समझता। अब ये सब छोड़ो और ये सोचो कि हम मेहर और बल्लू को कैसे ढूंढेंगे। पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए। उसका भी आइडिया है। ये देखो दोस्तों, इन्हें मेहर और बल्लू को ढूंढने के लिए इनका पोस्टर बनाया है। लेकिन पुकी, इसमें मेहर और बल्लू की फोटो कहाँ है? अरे दोस्तों, हमें यही दिखाना है ना कि मेहर और बल्लू दोनों गायब हो गए हैं, इससे दोनों ने पोस्टर में भी गायब रखा है, और नहीं तो क्या। इसीलिए तो मेरे पापा जी कहते हैं इंटेलिजेंसी पे मैं बिल्कुल उन पर गया। चलो नहीं वानी फुकी, चलो हम मेहर और बल्लू को कहीं और चलकर ढूंढते हैं। भयंकर परी, देखा मैंने पंख हासिल कर लिए और मैं उड़ भी सकता हूँ। यस, क्या बात है, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे यानी कि बुराई का साथ देने के लायक। पालवी जी यहाँ। पालवी जी, मैंने कुछ नहीं किया, चुपी क्या इन्होंने किया, ये सब इन्होंने मुझसे जबरदस्ती कराया। मोंटू, डरो मत, ये बालवीर का शरीर है और तुमने जो पंखलोक में देखा वो इसी शरीर का प्रतिरूप था। है वो तो ठीक परी भयंकर, लेकिन अब है जो करना वो कीजिए जल्दी से इस बालवीर के शरीर का, वरना कहीं आ गया बालवीर का प्रतिरूप और समा गया उसके शरीर में तो कट जाएगी आपकी नाक एक बार फिर से। नहीं, इस बार विजय मेरी ही हुई है, समझे? समझे। और इस बार बालवीर के इस शरीर को पत्थर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। भयंकर परी, ये बुरा काम करने का मौका
आप माउंटी द ग्रेटेस्ट लखानी को दीजिए, एक बार मेरे जादू का जलवा तो देखिए। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा पृथ्वी लोग नहीं है, ये जो मन में आया वो उठा के कर दिया। लेकिन हुआ क्या भयंकर परी? एक बात कान खोल कर सुन लो और समझ लो, पंख लोग के कुछ नियम है। पंख प्राप्त करने वाले विजेता उम्मीदवार को 2 घंटे तक कोई भी बुरा काम करना मना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे सारे पंख नष्ट हो जाएंगे, समझे? समझ गया। और इससे पहले कि तुम कोई दूसरी गलती करो, मुझे बालवीर के शरीर को पत्थर में बदल देना चाहिए। परी आओ, अच्छाई और सच्चाई के इस प्रतीक को पत्थर में बदलते हुए तुम भी देख लो। नहीं भयंकर परी, जब तक हम यहाँ हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओहो, फिर तो बालवीर के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करना पड़ेगा रानी परी। भयंकर परी, बालवीर के प्रतिरूप को तुम भले ही ले आए, लेकिन तुम्हारा इरादा कभी सफल नहीं होगा। बालवीर, आप हमारी चिंता मत कीजिए, भयंकर परी को हम सब संभाल लेंगे, लेकिन पहला मौका मिलते ही आप अपने शरीर में प्रवेश कर लेना। ठीक है माँ, जाइए संभालिए। Thank you.
कोई बुरा काम नहीं करना। ये मुझे भी लेकर जाइए परी भयंकर। अरे पांडवी जी उनके शरीर में आ गए, लगता है मुझे भी भागना चाहिए। बालवीर, परियों, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी परीक्षा में फेल हो गई। शायद मैं परी बनने के लायक ही नहीं थी। मेहर, मेहर पंख मिलने से कोई परी नहीं बनता। परी तो वो बनता है जिसका दिल अच्छा होता है, मन साफ होता है। और मेहर, आप भी वो सारे गुण। लेकिन मोंटू को तो बेईमानी से पंख मिल गए ना। मेहर, चाहे मोंटू ने पंख ले लिए हो, लेकिन हमारे पास अभी भी समय है। बालवीर, अगले 2 घंटों में आपको वो करना होगा जो आज तक आपने कभी नहीं किया। आपको मोंटू को मजबूर करना होगा कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे कार्य करने के लिए करे, ताकि ऐसा करने से उसके पंख उससे छिन जाए। लेकिन रानी परी, ये तो सच्चाई और अच्छाई के विरोध है। बालवीर, कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमें बुराई का सामना बुराई से ही करना होता है। मैं समझ गया माँ। ठीक है रानी परी, मैं बुराई की इस जीत को सच्चाई और अच्छाई की जीत पे बदल दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए रानी परी। हमारी आज्ञा है बालवीर, जाइए। चलो मैं। मेहर, कहाँ चली गई है तू? मुझे बहुत याद आ रही है तेरी मेहर। अच्छा, मेहर कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता घर में सब कितने परेशान हो गए थे? मम्मी, पापा, दादा, दादी, रॉकी, चाचू, शुभांगी आंटी, सब बहुत परेशान हो गए थे मेहर। तो ये तो बता, तू गई कहाँ थी? मैं बताता। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी अपने पावर्स के साथ लौट आया। अब मजा आएगा उन पिटियों की बैंड बजाने में। अरे मोंटू, भूल गया क्या? अगले 2 घंटे तक तुझे कोई बुरा काम नहीं करना है, ना ही बुरा सोचना है। ओ महान गेंडे, ओ दो पैरों वाले हाजी, बेवकूफों के सरदार, आप जहाँ कहीं भी हो हमेशा हमेशा के लिए दुखी रहो। No, 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 no. Be a good boy. Be a good boy, Montu. और इसीलिए हमें Montu को इतना गुस्सा दिलाना होगा कि वो कोई बुरा काम कर बैठे, समझ गए? लेकिन बालवीर, तो Montu 2 घंटे के लिए अच्छा बच्चा बन रहा है, मैं 2 घंटे के लिए शांति तो मिलेगी ना, मुझे क्यों छेड़ रहा है? पुकी, सॉरी। अरे पुकी समझ जरा, अगर मोंटू 2 घंटे में कोई बुरा काम करेगा तो ही उसके पंख बेकार होंगे। हाँ, डोंट वरी बालवीर, मोंटू तो है ही बुरा, उसको बुरा काम करने के लिए उकसाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपना डाटा फिश कर देगा। हाँ। नहीं बच्चों, ये कार्य जितना सरल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि मोंटू को भी पता है कि अगर उसने 2 घंटे में कोई बुरा काम किया तो वो पंख हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। वो ये गलती कभी नहीं करेगा। अब हमें ही कुछ करना होगा। अरे मेरे दोस्तों, कैसे हो तुम? तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। चिंता? मोंटू बॉस, आपके चिंता में हम हमारा रो रो का हमारा बुरा हाल हो गया मोंटू बॉस। हाँ बॉस, देखो हमने आपकी याद में आपका पुतला भी बना दिया। ये पुतला? देखा, मैंने कहा था ना ये पुतला पतला है। अब तू ही बोल कि इसकी शक्ति शादी कैसे दिखती है।
केवल कंट्रोल मोंटू कंट्रोल। अच्छा है, बहुत अच्छा है पुतला, बहुत अच्छा है। तुम दोनों भी बहुत अच्छे हो, सब लोग बहुत अच्छे हैं, ये सारा जग ये भी बहुत अच्छा है। ओ मोंटू बॉस, ये क्या अच्छा का रट लगा के रखा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बॉस, ये अच्छे शब्द आपको शोभा नहीं देता। हाँ बॉस, उठो पूरे बनो और चलो उन पिद्दियों की बैंड बजाते हैं। उन बिचारों को पिद्दी मत कह, उन्हें अच्छे बच्चे बोलते हैं। अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। बालवीर देखो, मोंटू को अच्छा बच्चा बनने में कितनी तकलीफ हो रही है। हाँ, उसको बड़ा शौक है ना बॉस बनने का, उसे दिखा दो कि बॉस होता क्या है। मोटे हाथी गेंडे बेवकूफ इडियट, तू समझता क्या अपने को? अरे रोहित भैया, वो हमारे मोंटू बॉस है। अरे है तो क्या, हाँ तू क्या नए चले ढूंढने चले जाएगा तो हमें छोड़ देगा? हाँ इसका चेहरा बनने के लिए हमने कितनी मार खाई है पता है तुझे? आज तो तू गया। कंट्रोल मोंटू कंट्रोल। तीन तो से लगता है मोंटू इन दोनों को पीट देगा मेरी तरह। चल उठ और मेरी माफी मांग, उठा बैठक निकाल उठ। मोंटू तो गेट रखा नहीं, उठक बैठक निकालेगा। अच्छा अब समझ में आया, बालवीर ने रोहित पर जादू किया है मुझे उकसाने के लिए ना। लेकिन मैं भी पक्का खिलाड़ी हूँ, 2 घंटे ही संभालना है मुझे, संभाल लूंगा। अरे रोहित मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे दिलदार, अरे आई एम सॉरी, मैं उठक बैठक निकालता हूँ। 1 2 और सुना, आज से तू हमारा बॉस है। बॉस? हाँ। और पहली बार एक हाथी को एक चूहे को बॉस बोलते हैं, देख रहा हूँ मजा आ गया यार। इनका तो कुछ ना मुश्किल है, ईयरफोन्स पहन लेता हूँ, इनकी बातें ना सुननी पड़े, सुनूंगा तो गुस्से में आकर कुछ बुरा कर दूंगा और मेरे पंग गवा दूंगा। बस सिर्फ 1.5 घंटे का सवाल है, बाद में देख लूंगा इनको और बालवीर को भी। चल रहे गेंडे, गेंडा गई का। मोंटू ने तो ईयरफोन्स पहन रखे, अब हम उसे उकसा भी नहीं सकते, अब हम क्या करें? चिंता मत कर, हमें कुछ तो करना ही होगा। अभी 1/2 घंटा बाकी है, इसके बाद ये पंख हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। लगे रहो मोंटू, लगे रहो। चल, चल। भूल गया कि मैं वो आशु, तेरे आने के खुशी में पार्टी वार्टी देगा या नहीं?
पार्टी देगा या नहीं? देखा, हाँ बोल रहा है, मुझसे डर गया यार। हाँ तो केवल तेरे लिए 6 बार का, क्यों चलेगा ना? पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, करने दो, हाँ बोल देता हूँ। चलेगा चलेगा, 3 हाँ 5 पिज्जा, चलेगा चलेगा चलेगा, तू पैसा तो देगा ना? चल केवल। मालवीर, अब तो मुझे नहीं लगता कि मोंटू कोई बुरा काम करेगा, और अभी तो वक्त भी बहुत कम बचा है, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बालवीर, नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। मोंटू जी, आपको पता है आप कैसे दिखते हैं? ये देखिए, बंदर। मानव के बच्चे, मुझे पता नहीं था कि तू इतना अच्छा आर्टिस्ट है, कितने प्यारे प्यारे पोस्टर्स बनाए तूने, है ना? पर नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा आइडिया लगाना। अब जा, 1 मिनट। तूने जो इतने प्यारे प्यारे लवली पोस्टर्स बनाए ना, उन्हें लेके तो जा। एक बात सुन, अगर मैं अपने कान बंद कर सकता हूँ तो मैं अपनी आंखें भी बंद कर सकता हूँ। गुड बाय। मानव के बच्चे, भड़का था मुझे और भड़का। अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, 2 घंटे पूरे होने में, 5 मिनट के बाद तुझे देख लूंगा। बालवीर, मोंटू तो साधु की तरह समाधि लेकर बैठ गया, अब क्या करें इसका? मैं कुछ करता हूँ।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।